हेलो एफटीपी मेट्स, मेरा नाम आयुष जैन है। आप लोगों ने अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो सीरीज है वो कंप्लीट की होगी और उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन की कुछ डीपीपीज मिली होंगी। आज हम उस डीपीपी का डिस्कशन चालू करेंगे। तो आज की जो हेडिंग रहेगी वो है डीपीपी डिस्कशन नंबर 86 जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, इसके अंदर जो जो सवाल इसमें दे रखे हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहला सवाल जो है, COBrNH3SO4 एंड COSO4NH3BR आर रिलेटेड टू ईच अदर एज आइसोमर से क्वेश्चन आया हुआ है और ये पूछा गया है कि दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के किस तरह के आइसोमर हो सकते हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स की कैटेगरी आपने देखी होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। स्ट्रक्चरल के अंदर आपने अलग अलग कैटेगरी देखी होगी, जैसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, इस तरह से। और स्टीरियो आइसोमर में आपने देखा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, तो उसी के बेसिस पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है आपको, दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, एक है अपने पास में, एक तो है अपने पास में COBrNH3 कॉम्प्लेक्स है, डब्बा, डब्बे के बाहर दे रखा है SO4 एंड एक दे रखा है COSO4NH3। एक डब्बा यानी कॉम्प्लेक्स बना रखा है और इसके बाहर दे रखा है BR, और हमें ये चेक करना है क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे और कौन से किस तरह के आइसोमर होने वाले। देखो जरा ध्यान से, मोलिकुलर फॉर्मूला जरा कंपेयर करो, दोनों सेम है, यानी दो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला अगर सेम हो जाए और उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाए तो वो एक दूसरे के आइसोमर तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे, यानी ये वाली पॉइंट तो एकदम सही है। दूसरी चीज क्या बता रखा है, आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होगा, अगर इसको जैसे आप आयनाइज करोगे, जैसे ही आयनाइज करोगे तो अलग अलग तरीके के आयंस अगर हमें मिले तो समझ जाएंगे वो आयनाइजेशन की कैटेगरी में जाएगा। जैसे ही आप इसको आयनाइज करोगे, एक तो कॉम्प्लेक्स कैटायन मिलेगा, एक SO4-2 anion मिलेगा। जैसे इधर इसको आयनाइज करोगे, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन मिलेगा लेकिन एक Br-anion मिलेगा। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जो है वो भी खैर अलग अलग आएंगे, अंदर Br है, अंदर SO4 है, और एनायनिक जो आयन है वो तो अलग अलग आ ही रहे हैं। इसका मतलब आयोनाइजेशन के दौरान अगर डिफरेंट तरह के आयंस प्रोड्यूस हो जाएं तो वो आयनाइजेशन की कैटेगरी में चला जाएगा, जो कि इसका जीता जागता एग्जांपल है, यानी ये आयनाइजेशन आइसोमर तो है ही है। अब इसको सबसे सिंपल कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको बच्चों को ये चीज बतानी है और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है डब्बा, इस डब्बे के बाहर का जो आयन है इसका एक्सचेंज करा दो डब्बे के अंदर किसी एक आयन के साथ, तो अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। अब मान लीजिए बाहर SO4 है तो अंदर SO4 के साथ ही आप इसको एक्सचेंज मत कराना, नहीं तो फिर सेम ही रिजल्ट आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इसको एक लाइन में खत्म कर सकते हो कि आयनाइजेशन आइसोमर होने के लिए डब्बे के बाहर और डब्बे के अंदर डिफरेंट तरह के आयंस का अगर आप एक्सचेंज करवा दोगे, ये देखो डिफरेंट तरह के आयन का अगर आप एक्सचेंज करा दोगे तो बनने वाला जो रिजल्ट है वो आयनाइजेशन आइसोमर की कैटेगरी में ही जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।